कोई ट्रक वाला था यार। अच्छा लाइट लगी आपको? लाइट लगी है। तब कार अपनी है क्या? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कार अपनी है क्या? यमुनानगर से करनाल। तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर। स्कॉर्पियो गाड़ी थी, करनाल के रहने वाले हैं, और किस तरीके से माइनिंग के ट्रक जो चलते हैं, और कहीं ना कहीं साइड लगी है भाई को और काफी ज्यादा चोटें। 112 जो है मौके पर पहुंच गई है, और 112 जो है अभी अपने साथ जो है कहीं ना कहीं इसको रेस्क्यू के साथ ले जाती हुई है। एम्बुलेंस भी यहां पहुंच चुकी है। और किस तरीके से, क्या नाम है सर आपका? सर क्या नाम है आपका? तो आप देख सकते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं। क्या बीटी मिली थी सर? वो ये थी, कोई ट्रक साइड मार गया स्कॉर्पियो को। अच्छा, कितने लोग सर सवार थे इसमें? दो थे। हॉस्पिटल लेके जा रहे हो? हॉस्पिटल ले जा, सिविल हॉस्पिटल जगाधरी। तो देख सकते हैं कि 112 की अच्छी बात है कि इनको अपनी गाड़ी में ही जो है हॉस्पिटल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। दो लोग थे। किस तरीके से स्कॉर्पियो गाड़ी का जो है जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, किस तरीके से पूरी की पूरी गाड़ी जो है नीचे उतर गई है ट्रक के। ये देख सकते हैं दूसरा व्यक्ति है जिसको काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, करनाल के जो शख्स बताए जा रहे हैं। सामने से आ रहे ट्रक ने जो है साइड मारी है, जिस वजह से काफी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ और गाड़ी जो है नीचे उतर चुकी है। एम्बुलेंस देखिए वहां खड़ी हुई, सिर्फ सायरन बजाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसी एम्बुलेंस में ले जाना था। आप इसके इसी किस्में आए थे? हाँ जी, हाँ जी। क्या सूचना मिली थी भाई? एक्सीडेंट हो गया कोई वहाँ पर। आए हो आप? यही जगाधरी। तो आप देख सकते हैं कि सामान है ये किनका? आप साथ चले जो, वहीं छोड़ देंगे। मेरी गाड़ी खड़ी है। चलो जल्दी निकलो भाई, मेरी गाड़ी खड़ी है, इनका सारा सामान ही है। हाँ, इनका मैं सामान पकड़ा। वहाँ कौन है? अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा हादसा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि किस तरीके से कैल बाईपास से आगे जब आते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो, नई स्कॉर्पियो बताई जा रही है, किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। जी आपको बता दें कि आए दिन जो है माइनिंग के ट्रक चलते हैं, किस तरीके से ट्रक वाले ने जो बताया जा रहा है इस गाड़ी को साइड मारी है। जी हाँ, देखिए नई गाड़ी है, बिल्कुल ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, नई गाड़ी थी। करनाल के जो शख्स बताए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं नंबर है पीछे जाट लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं करनाल की गाड़ी थी और यहां पर आ रहे थे। ट्रक ने कितनी बुरी साइड मारी है जो इसको, और यहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी का अगला हिस्सा जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ड्राइवर को गंभीर चोटें लगी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगाधरी बाईपास से, जहां पर कचरा प्लांट के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी, नई ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो गाड़ी, अभी टेम्परी नंबर जो है इस गाड़ी का आया हुआ है, और कहीं ना कहीं इसकी टक्कर लगी है, बहुत जबरदस्त टक्कर लगी है। और सामने ट्रक वाले ने कहीं ना कहीं एक बहुत साइड मारी है, और जिससे कि इस गाड़ी का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते कि नई स्कॉर्पियो, काले रंग की नई स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिसको किस तरीके से ट्रक ने जो है टक्कर मारी है, और टक्कर मारने के बाद जो है ये गाड़ी यहां नीचे उतर जाती है। शाम की घटना, आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरी गाड़ी जो है कि क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह गाड़ी टक्कर लगने के बाद जो है नीचे आ जाती है, और काफी बुरी तरह से जो है इस गाड़ी में नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा शीशा जो है इस गाड़ी का आगे से टूट चुका है। घायलों को जो है 112 की मदद से जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। आप देख सकते हैं नई गाड़ी थी, ड्राइवर को काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, करनाल के बताए जा रहे हैं, ड्राइवर को काफी ज्यादा चोट लगी है। सरदार जी हैं यहाँ पर, इन्होंने अभी उनको मदद की है। सर क्या कुछ बताएंगे, क्या हुआ था? उधर से गाड़ी आ रही थी एक, तो गाड़ी ने ओवरटेक किया तो टक्कर लगी सीधी, उनके पास से कंट्रोल नहीं हुआ, सीधी नीचे चली गई। तो आपके जानकार थे वो? नहीं, जानकार नहीं, हम इधर से आ रहे थे तभी देखा, अभी 15-20 मिनट हुए। अच्छा, कितने लोग थे सर उसमें? दो ही लोग थे। शीशा बजा, उनको करनाल के बताया, करनाल के अभी ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। अच्छा, तो क्या आगे ट्रक वाले ने साइड शूट मारी है उसको? ट्रक वाले ने ओवरटेक किया है, आगे से ओवरटेक कर रहा था। इन्होंने उसको बचाया, उसके बचाने के चक्कर में ट्रक ने टक्कर मारी और नीचे गिर गया। कोई नशा वगैरह तो नहीं किया हुआ? नो, कोई नशा नहीं किया। उनकी मदद की है? यस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 112 यहां पर पहुंची हुई है, हॉस्पिटल जो है उनको भेज दिया गया है। मौके पर सब इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह है। सर क्या कुछ जानकारी मिली थी, क्या लगता है किस वजह से हादसा हुआ? थोड़ा साइड में आएंगे सर, इधर आ जाइए। ऐसा है सर, ये हमारे पे इवेंट आया,
हम जगाधरी रक्षक बिहार थे, जैसे इवेंट आया हम यहाँ पर आए, यहाँ से पता लगा कि उनसे पूछ के पता लगा कि गाड़ी वाले साइड मार गया जिसकी वजह से गाड़ी नीचे चली गई है। कोई नंबर वगैरह नोट हुआ? नंबर नोट नहीं हुआ। अच्छा, तो गंभीर रूप से चोटें लगी है, हॉस्पिटल भेज दिया? जो हॉस्पिटल भेज दिया, पहले हम ले जाने लगे थे, फिर एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में फिर अब एम्बुलेंस में भेज दिया इनको। तो गाड़ी को निकलवाया जाएगा? गाड़ी अब SHO साहब आने लग रहे सदर जगाधरी, तो वो आने लग रहे गाड़ी यहाँ से निकालेंगे नीचे से। हालत कैसी है जी अब? ठीक है सर, वैसे ठीक है, पर ज्यादा इंजर्ड नहीं है, लेकिन उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। नई गाड़ी थी सर? नई गाड़ी थी, दो ही लोग सवार थे? दो ही लोग सवार थे, जिनको मुंह पे शीशा वगैरह टूटा, जैसे उनको मुंह पे चोट लग गया, खून निकल रहा है, नाक से खून है, तो ट्रीटमेंट तो जरूरी है ना। ट्रक वाला भाग गया सर? ट्रक वाला मौके से उसी टाइम ही निकल गया, पहले ही निकल गया वो, तो जैसे साइड मारी उसने और साइड मार के ही निकल गया। तो किसी ने नंबर नंबर नोट किया? नहीं, नंबर किसी ने नोट नहीं किया, अगर किया होगा तो कोई सामने आएगी बात, देखते हैं। तो आपने सर दरिया दिल दिखाते 112 में इसको ले जाने लगे थे? हाँ हाँ, हम बिठा लिया था हमने, तो लेट आई थी। नहीं, एम्बुलेंस थोड़ा लेट आई। अच्छा, एम्बुलेंस लेट आने की वजह से हमने अपनी गाड़ी में ही बिठा लिया और लेकर चलने लगे थे, तभी मेरे रास्ते में थोड़ा ही अभी आगे चल के ये एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में अब एम्बुलेंस में बिठा के। छोटा रोड है सर, पतला रोड है ये रोड, तो लिंक रोड ही समझो, ये तो रोड है ही नहीं ये। अच्छा, ये जो सरकार ने गवर्नमेंट ने पीछे हाईवे बनाया, जगाधरी बस स्टैंड तक तो जोड़ना चाहिए था ये, ताकि ट्रैफिक कम हो जाए, तो क्योंकि जगाधरी से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जो इस रोड पे हाईवे पे चढ़ती है जी, ये तो डबल होना ही चाहिए वैसे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुखबीर सिंह जी। तो ये सब इंस्पेक्टर थे हमारे साथ, तो मैं आपको फिर से बता दूं, काले रंग की ब्लैक स्कॉर्पियो थी, किस तरीके से आगे से ट्रक जो ओवरटेक करते सामने आ जाता है और कहीं ना कहीं साइड लगती है, और साइड लगने के बाद जो है दो व्यक्ति जो बताया जा रहा है करनाल के थे, उनको काफी ज्यादा माथे पर चोटें लगती, हालांकि ज्यादा चोटें नहीं लगी लेकिन बचाव हो गया। आप देख सकते हैं कि मौके पर 112 की गाड़ियां पहुंच चुकी है, 112 जो यहां पर पहुंच चुकी है और बचाव जो है उनका करवा लिया गया। पहले एम्बुलेंस जो है मौके पर नहीं पहुंची, लेकिन उसके बाद जो है एम्बुलेंस पहुंचती है, लेकिन 112 जो है किस तरीके से उनको घायलों को एकदम से जो है 112 गाड़ी में बिठाकर ले जाने का प्रयास किया था। अब आप देख सकते हैं सुखबीर सिंह सब इंस्पेक्टर हैं, वो गाड़ी की जांच कर रहे हैं कि क्या कारण हो सकते थे। देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी का जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दे कि जगाधरी बाईपास जो है कचरा प्लांट के पास एक बड़ा हादसा होते होते टला है, तो गाड़ी की चाबी सुरक्षित निकाल ली गई है, अब गाड़ी को कब्जे में लेकर यहां से हटाया जाएगा और जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। असर क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ? कोई ट्रक वाला था यार। अच्छा, लाइट लगी आपको? लाइट लगी है। कहां से कहां जा रहे थे? कार अपनी है क्या? यमुनानगर से करनाल। तो आप देख सकते हैं कि